तो नमस्कार मंडळी, वेलकम टू माय चॅनल लेखर रिॲक्शन. आणि आज आपण करणार आहोत विजय डी के या आर्टिस्टचं सॉन्ग आहे ब्ल्यू ब्लड या सॉन्गवर रिॲक्ट. आणि लील तग या भाईनी कमेंट केलेलं होतं की या सॉन्गवर रिॲक्ट कर म्हणून. तो मी आधी या आर्टिस्टला नाही ऐकलेलं आहे आणि हे मी पहिल्यांदाच ऐकत आहो या आर्टिस्टचं सॉन्ग. तो मला माहीत पण नव्हतं आणि चला तर बघूयात काय वाईब्स येतात आणि म्हणजे कशा टाईप व्हिडिओ बनवलेला आहे तो चला तर कॅच करत आणि वाइब्स पण कॅच करूयात. लेट्स गो. वेस्ट कोस्ट रेकॉर्ड्स. ओके बीट मस्त चालली, म्हणजे बीट एकदम फ्लो मध्ये चालली आहे. चोरी मारी गुन्हेगारी बाबल्या चिल्लर चोर बोल के भागे स्ट्रीट पे मान खुद वेस्ट के लड़के लोग नाय बालो को पटे लोग बाकी शाने लोग गतर और माखी आ जा रही. किती फास्ट म्हणता हा. स्ट्रीट पे मान खुद वेस्ट के लड़के लोग नाय बालो को पटे लोग बाकी शाने कौन आए बालो कौन पटेल लोग बाकी शाने लोग आर्थर रोड. अच्छा ओके. हेलो गदर और मां की आ जा रही आके पोछा के भरा रही मां की ब्रो घर जा के ब्रो मुंगले भी खा के घर गदर मां की पर पूरी साथी ही एडी साले तो बॉम्बे 43 बोले मतलब गुनेगारी इधर काफी चलती. या ये 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 बॉम्बे में बॉर्न बट इट्स टाइम टू बर्न दे वांट दिस प्रॉमिस फ्रॉम द बॉम्बे में बॉर्न बट इट्स टाइम टू बर्न. म्हणजे मी मुंबई मध्ये जन्म लो बट आता जाळायची पाळी आहे. पुस्तक के पन्ने मेरे लाइफ समझते जब भरते पन्ने. अच्छा तू गुस्सा के करके मेरे लाइफ में मला असं वाटतं की बीट अलग चालली आणि याचा फ्लो अलग चालला. बट मी पहिल्यांदा ऐकतो. माय स्पीकर्स कनेक्टेड मेरा ब्लड करता ब्लड सब हो रहे डिस्कनेक्टेड. ओ आम्ही पॉमारिक्टेड आम सोलफुल आणि सबूज के करम सेवन स्पीकर्स कनेक्टेड ब्लड करता ब्लड डिस्कनेक्टेड माय कुरशिचे मुझे देख. भाई याचे लिरिक्स इतके हार्ड आहे, एमसी स्टँड पेक्षा पण इतकं फास्ट म्हणून गेलो तो. एमसी स्टँड चे तरी पण आता समजतात यार, नाही समजून राहिले लिरिक्स कॅचच नाही करू शकत. मायक्रो चेक चेक मुझे देख इतना भी मध्य आगे देख पीछे देख हर जगह मुझे देख पीछे देख पीछे देख हर जगह मुझे देख पीछे देख पीछे फेंक जमाड़ा से निकल रहे प्रमाण को टंबलेस माझा से निकाला निकल रहे पूरा मानकुट टाउन बोले फोर कला फोर करा लग चुक है. सॉरी भाई लेकिन खूब हार्ड है, ये हार्ड लिरिक्स लिरिक्स सिंपल है बट तो इतना फास्ट मानते हो कि नहीं देखा जा मुझे देख पीछे से कहां है पीछे से फेंक जमाड़ा से निकल रहे प्रमाण को टंबल स्कोर करा लग चुक है हराला से गुजर गए माइक द हैविल वैसा रियल से डब्ल्यू बोले तो वांटेड नगर भाई लोग डब्ल्यू बोल तो वांटेड गुनेगार भाई लोग उमरेले बंदाना मार और उमरेले बंदाना मार के ब्लू बंदाना मार के ब्लू भाई लोग खड़े ले कमर में डाल के आई एम फकिंग वेस्ट साइड लिविंग अ थग लाइफ सड़कों पे चलते शान से सिर्फ साइन देते वेस्ट साइड यो चेक इट आउट ऑन द बीट एपी फाउ पब्लिक भोंडी बनती चारी सबको टपली देते जाओ मैं वेस्ट साइड का लड़का इनको हिट एम अप क्या समझा दूं मेरे ईस्ट वेस्ट के रैपर्स को बिगी बना के मारूं पर मैं कैसे मलता मैं नहीं था सिंगल का को नहीं था कौन सहीता या ए नवरत्न क्या बोलते शर्मा जी मीठा पान में नवरत्न क्या बोलते शर्मा जी आई डोंट नो का मन तो मैं मिलता छा तू मीठा पान में नवरत्न क्या बोले शर्मा जी. ओ लावणी लावणी बीट्स जे महाराष्ट्राचे आहेत जे मराठी आहेत त्यांना माहित आहे लावणी काय असते ते आणि ते आपण एक्सप्लेन पण नाही करू शकत म्हणजे सगळ्यांना माहित आहे शर्मा जी.
कोच है नाइकी। मला याचं सॉन्ग पाहून असं वाटत आहे की हा एमसी स्टॅनला म्हणजे खूप फॉलो करते, कॉपी नाही म्हणणार बट फॉलो करते एमसी स्टॅनला असं वाटत आहे त्याच्यावरून। मरा मेरे को खाब आया, मैं भरा पड़ा बैग लेके कब्र के पास आया, ये बोला मेरे को क्या लाया, मैं बोला बैग भर के मैं मनाली का सांस लाया, फूंक के मार बैग भर के मनाली का सांस, कब्र के पास आया, ये बोला मेरे को क्या लाया, मैं बोला बैग भर के मैं मनाली का सांस लाया, फूंक के माल बिल पूरे लुक के साले ताए बाप खुदे बड़े जवा पुलिस सारी मेरे वक्त पे बताते थे कि यो सीआरई बाकी गैंगस्टर मेरे भाई लोग फुल पद्धति तैयारी मतलब वो मिस साटी जान भी हाजिर मैं रहने का बॉम्ब मेरे कानपुर चैप्टर मेरी हुड वाली पब्लिक की शक्ति आज भी जब कॉलोनी के बच्चे लोग मिलने तरसे निकले मेरी हुड वाली पब्लिक की शक्ति आज भी मेरी हुड वाली पब्लिक क्यों जब कॉलनी के बच्चे लोग मिलने तरसे मतलब म्हणजे जेव्हा कॉलनीचे मुलं त्याला भेटासाठी म्हणजे हे करतात तेव्हा त्याची हुडची पब्लिक म्हणजे जळतात त्याच्यावर मिलने तरसे निकले घर से बोले वेस्ट के छुप रे गैंग्स एंड वेस्ट कोस्ट पर ट्रिप में छुप रे बच्चे गैंग्स एंड सीक रे बच्चे चार लाइन लिख रे मैंने बोला वेस्ट लुक भी वेस्ट में घुस रे मेरे स्ट्रीट के कूतरे इनके मुंह पे मूत्रे मैं बोला क्रिप में लोग भी क्रिप मेरे स्ट्रीट्स के कूतरे म्हणजे माझ्या स्ट्रीटचे कुत्रे त्यांच्या तोंडावर करून राहिले कुत्रे इनके मुंह पे मुत्रे मैं बोला क्रिप पे लोग भी क्रिप में कुत्रे इनके कल के फूट रहे लोग अटके हुक में मैं छोड़ देता लिखना जब हलते दिखते कल्चर से सीखते जो भी देखा मैंने आंखों से भया करूं बातों से लाखों में एक मेरी माँ बोलती लाखों में क्योंकि लाखों के आंखों में मैं मेरी माँ बोलती लाखों में एक क्योंकि लाखों के आंखों में एक लाखों में क्योंकि लाखों के आंखों में मैं भगवान से करने का प्रे प्रे फॉर माय मोमेंट प्रे फॉर माय हेट इज इन फ्रेंच खाने का केस करने का फेस थोले बिल कर ले जस्ट प्यू प्यू घर जाने एक तो कान और इच्छे घर पूछ के करता मैं डेक्स वेट वेट आई डोंट लाइक बीचेस फेक यू नो एक्स इंडिया में आना एक्स ट्रिपल एक्स यंग एज मदरफकिंग वेस्ट यंग एज मदरफकिंग गैंगस्टर्स इंडिया में बचेली थोड़ी बहुत इंसानियत नहीं तो कौन इंसान विसरित अपनी मां से एक सापड़ी पलटे जर बोलना उल्टा एड़ी चाली जरा भी नहीं खोलना फक द है नीला आकाश ने नीला रक्त ब्लू ब्लड घुसे हुड में ओ गैंगस्टर्स फक्ड अप ब्लू ब्लड नीला रक्त तो भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल ईपी प्रमोशन ट्रैक 2020 हे पण याचं रिएक्ट नाही करणार बट मी हे ऐकणार याच्या नंतर। बाय द वे याचे वाईब्स छान आहेत बट हा इतकं फास्ट मध्ये म्हणतोय की बीट्स कुठे चालली बीट्स म्हणजे जे पहिलं वर्ष होतं ते ठीक होतं ठीक वाटलं पण आणि खूप फास्ट मध्ये म्हटल्यामुळे सवय नाही म्हणजे ऐकलं नाही याला आधी तर याच्याबद्दल माहित नव्हतं। तो गाण्याचे वाईब छान आहेत आणि व्हिडिओ साठी बजेट पण खूप चांगला आहे व्हिडिओ बनवला बजेट व्हिडिओ नाही म्हणता येणार याला म्हणजे चांगला बजेटचे व्हिडिओ आहे। सो तुम्हाला कसं वाटलं हे मला सांगा कमेंट्स करून आणि तुम्हाला अजून कोणत्या सॉन्ग्सवर रिॲक्शन पाहिजे ते पण मला सांगा। आणि आता माझा व्हिडिओ खूप लेट येत आहे कारण की मी थोडं बाहेर गेलो होतो इंडिया टू नेपाल गेलो होतो आणि वापस आलो थोडं काम पण होतं थोडं फिरणं पण झालं। सो आता व्हिडिओज कंटिन्यू येणार आणि आशा करूया की व्हिडिओज कंटिन्यू येणार तो बघूया आणि मला कमेंट्स करून सांगा की तुम्हाला कसा वाटला हा माझा व्हिडिओ आणि तुम्हाला कोणत्या सॉन्ग्सवर रिॲक्शन पाहिजे ते पण मला सांगा। आता एमसी स्टॅन एमए बंटाय खूप खूप सारे आर्टिस्टचे सॉन्ग आले पण ते आपण स्किप करूया कारण की मी ते ऐकलेले आहेत कारण राहूच नाही शकत ते ऐकल्याशिवाय। तो बघूयात तरी पण भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय टेक केअर।